हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तरांग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये बेकार खराब पड़ी हुई मोटर से एक बढ़िया शानदार मोटर बनाएंगे। और फ्रेंड्स, आपके पास भी ये काफ़ी ख़राब बेकार मोटर पड़ी होती होगी, लेकिन आप क्या करते हो, आप उनको फेंक देते हो। तो फ्रेंड्स, उनको फेंकिए मत, वीडियो में आगे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए। इस टाइप की वीडियो इस चैनल पर मिलती है, मिलती रहेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो मैंने कबाड़ में से ये फालतू ख़राब मोटर ले ली है। आप देख ही सकते हो इसमें एक दो में तो जंग भी आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल वेस्ट है। आप क्या करते हो, आप इनको फेंक देते हो। बट फ्रेंड्स, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम मोटर बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो अधिकतर मोटरों में होता क्या है, इसकी जो पीछे की पिन है वो टूट जाती है, तो हमारी जो मोटर है वो ख़राब हो जाती है और आप उनको फेंक देते हो। तो फ्रेंड्स, उनको फेंकिए मत। फ्रेंड्स, आप देख ही सकते होंगे आपका इसके अंदर से ये कुछ इस तरीके का ये निकलता होगा, मतलब ये मोटर होता है, इसमें आर्मेचर वगैरह लगा हुआ होता है। फ्रेंड्स, ये हमारा काम का है। फ्रेंड्स, इसको फेंकिए मत, ये अधिकतर हमारी मोटरों में सही ही होता है। हमारा फ्रेंड्स ऊपर की पिन ख़राब हो सकती है, लेकिन फ्रेंड्स ये अधिकतर सही होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम मोटर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसका ऊपर का कवर बनाएंगे, समझ रहे हो ना, मतलब हम इन्हीं मोटरों का सामान लेकर इसके ऊपर का कवर बनाएंगे। देख ही सकते हो ये इसमें जंग वंग आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हम कवर कैसे बनाएंगे, हम फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने ये दो बोतल के ढक्कन लिए है। आप बोतल के ढक्कन कोई से भी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो हम क्या करेंगे, अब इसमें हमको इन दोनों बोतल के ढक्कनों में एक सेंटर में होल करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमको इस मोटर की बॉडी बनानी है बोतल से। तो फ्रेंड्स, मैं होल कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक होल कर लिया है। फ्रेंड्स, अब देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से लग जाएगी मोटर हमारी। फ्रेंड्स, हमको इसमें अब चुंबक भी लगानी पड़ेगी, जो इसमें मैग्नेट लगी हुई आती है वो भी हमको लगानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, वो सब हमको जुगाड़ से ही करना पड़ेगा। बट फ्रेंड्स, देख सकते हो ये बिल्कुल इसी के ही नाप की है, समझ रहे हो ना, मतलब इसी के ही नाप की है ये। तो फ्रेंड्स, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देख सकते हो मेरे पास ये ख़राब मोटर की मैं ये मैग्नेट निकाल रहा हूँ। ये देख ही सकते हो इसमें जंग वगैरह आ रखी है, बट फ्रेंड्स हमारी मैग्नेट तो बिल्कुल सही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें से मैग्नेट निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो हमारी मैग्नेट तो बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट को हमको उस हमारे बोतल के ढक्कन में लगाना पड़ेगा, नहीं तो फ्रेंड्स ये जो मोटर है मैग्नेट के बिना तो नहीं चलती है, आपको पता ही होगा। तो फ्रेंड्स, हमको कुछ इस तरीके से इसके अंदर लगाना पड़ेगा दोनों साइड। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करता हूँ, सुपर ग्लू से इसको चिपका लेता हूँ। फ्रेंड्स, आपको मैग्नेट ढंग से दिख नहीं रही होगी, ब्लैक ढक्कन है इसलिए। तो फ्रेंड्स, मैं मैग्नेट इसमें से चिपका लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो मैंने इस मैग्नेट को चिपका लिया, मैंने ये ब्लू ढक्कन में चिपकाया क्योंकि फ्रेंड्स ब्लैक में आपको ढंग से दिख नहीं रहा था। तो देख सकते हो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट हो गया है, और ये आप देख ही सकते हो कि इससे कितना दूर है, मतलब इस हमारी अंदर वाली मोटर से कितना दूर है ये मैग्नेट, मतलब नॉर्मली दूर है, मतलब इतना दूर भी नहीं है, ना ज़्यादा दूर रखना है ना ज़्यादा पास रखना है। तो अब फ्रेंड्स, हमको करना क्या है, हमको इस आर्मेचर में करंट देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो ये हमारा पीछे की मोटर के पीछे का हिस्सा है, तो इसको हमको इस वाइट को जो हम इसमें मतलब इसमें मेन सप्लाई देते हैं, तो वो चीज़ हमको निकाल लेनी है इसकी। ये देख सकते हो कि यहीं से ही करंट देगा आर्मेचर को। तो ये देख सकते हो मैं इसको इजीली इधर ऊपर इस टाइप से करके उसको निकाल लूँगा। फ्रेंड्स, ये थोड़ा गंदा हो रहा है, ये तो सही होगा, मतलब ये थोड़ा जंग में आ रहा है, बाकी हम इसको साफ कर लेंगे। आपको उसके जो उसके वायर है उसको अच्छी तरीके से आपको मतलब पेचकस या फिर कटर की मदद से इसको साफ कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें कार्बन आ जाता है, फिर नहीं तो हमारा मोटर वर्क नहीं करेगा। फ्रेंड्स, अब क्या करता हूँ, फ्रेंड्स इन दोनों तारों को मैं शोल्ड कर लेता हूँ इस पर। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो मैंने शोल्ड कर लिया है। अब देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने इसको साफ भी कर लिया है, और जो इसकी आगे की डंडी होती है, मतलब ये जो आगे के लगे हुए हैं जो हमारे आर्मेचर में लगेंगे, उसको भी मैंने अच्छी तरीके से साफ करके सीधा कर लिया है। अब देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं ढक्कन में इसको कुछ इस तरीके से लगाऊंगा, बट फ्रेंड्स हमारा वायर निकालने की जगह नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, मैं ढक्कन में भी एक छेद कर लिया है, देख ही सकते हो ढक्कन में। आपको एक छेद करने के बाद इन वायरों को आपको इन ढक्कन में से निकाल लेना है, फिर फ्रेंड्स आपका इजीली ये जो ये आर्मेचर का ये जो पिन है जो इजीली लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं इसको वायर को इस ढक्कन में से ढाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसको लगा लिया है। अब क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं इसको मैं सुपर ग्लू से इसको अच्छी तरीके से चिपका लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए ये कुछ इस तरीके से लगेगा। हमारा जो होल है उसके आगे जो ये पिन निकल रही है वो हमारे होल के जस्ट ऊपर रहनी चाहिए।
ताकि हमारा फ्रेंड इधर से हमारा जो है आर्मेचर निकलेगा। तो ये देख सकते हो हमारा इस मोटर का आर्मेचर भी कुछ इस तरीके से ही लगेगा, मतलब ये बिल्कुल तार के टच होकर लगेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो अब हमारी जो मोटर है तो बन के बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स इस आर्मेचर को भी मैं अच्छी तरीके से, इन वायरों को अच्छी तरीके से आर्मेचर पर लगा लेता हूँ। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये हमारी मोटर चलती है कि नहीं चलती है। तो फ्रेंड्स मैं इसको, इसके जो ढक्कन है उसको भी बंद कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स मैं इसको अभी टेम्परेरी लगाऊंगा, मतलब इसको अभी चिपकाऊंगा नहीं, मैं इसको अभी टेप से ही चिपका कर चला कर देखता हूँ। तो मैं इस पर टेप लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स इसे चलाने के लिए सिंपली मैं मोबाइल की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ। ये तो मोटर है जो किसी भी बैटरी से चल जाती है। तो फ्रेंड्स मैं इसको मोबाइल की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ चलाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये चल नहीं रही है। फ्रेंड्स दिक्कत क्या आ गई है, फ्रेंड्स हमारा जो आर्मेचर है वो बहुत ज़्यादा नीचे लग गया था। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने इसमें एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा चिपका दिया है, जिससे हमारा जो ये आर्मेचर है ये बिल्कुल पिन है जो आर्मेचर के ऊपर ही लगे। तो देख ही सकते हो मैंने इस पर, आपको ध्यान से आपको एक टुकड़ा जरूर लगा लेना है ऊपर, ताकि फ्रेंड्स जो हमारा ये आर्मेचर है ये बहुत ज़्यादा नीचे हो गया था। तो आपको इसमें पीवीसी पाइप का एक टुकड़ा लगा देना है, जिससे ये हमारी जो पिन है वो थोड़ी ऊपर हो जाए और ये जो करंट है ये डायरेक्ट हमारे आर्मेचर पे जाए। तो फ्रेंड्स अब ये जहाँ तक है चल जाएगी मोटर। तो फ्रेंड्स इसको मैं वापस से इसको इस टाइप से लगा कर, वापस टेप लगा कर इसको एक बार आपको चला कर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो अब हमारी मोटर है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही है। आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ इस पर एक आगे टेप लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स वैसे हमारी मोटर बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही है, देख सकते हो मैं एक टेप का टुकड़ा लगा लेता हूँ, जिससे आपको आगे अच्छी तरीके से दिख जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितनी बढ़िया तरीके से चल रही है, हमारा तार थोड़ा हिल गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितनी बढ़िया तरीके से चल रही है मोटर, बिल्कुल एकदम शानदार चल रही है, जैसे कि बड़ी मोटर चलती है। फ्रेंड्स हमने इसमें एक दिक्कत क्या करी है, बस हमने एक दिक्कत इसमें वही कर दी थी कि हमने पिन में नीचे पीवीसी पाइप का टुकड़ा नहीं लगाया। तो फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए कि आपको पीवीसी पाइप का टुकड़ा ध्यान से लगा लेना है, नहीं तो वो जो पिन है वो ज़्यादा नीचे हो जाएगी। फ्रेंड्स आपको ध्यान से वो उसके ऊपर पिन लगा लेनी है। फ्रेंड्स उससे होता है, हुआ क्या फ्रेंड्स, हमारे वो आर्मेचर में अच्छी तरीके से करंट नहीं जा पा रहा था, तो इस चक्कर में वो चली नहीं। तो फ्रेंड्स देख ही सकते हो वैसे हमारी मोटर तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही है। हमने अभी इसमें टेम्परेरी ही टेप लगा लिया है। हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें टेप ही वापस लगा देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमारी जो हम अगर फेविक्विक लगा देंगे तो इस मोटर में कुछ खराबी हो जाएगी, तो हमको वापस उसको खोलना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा कि ये कैसे चल रही है, कि चल हमने कहीं अंदर इसमें मोटर तो नहीं लगा रखी, तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने बिना वीडियो को पॉज करे मैं आपको खोल के वापस इसको मोटर को बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल लाइफ प्रूफ है। फ्रेंड्स हम जो वीडियो बनाते हैं वो बिल्कुल लाइफ प्रूफ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देख ही सकते हो ये वही वाली मोटर है, हमने इसमें कोई अंदर मोटर नहीं लगाई है, मतलब अगर आप किसी को लग रहा होगा तो। तो फ्रेंड्स देख ही सकते हो हमारी मोटर तो बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर ही रही है। फ्रेंड्स हम वीडियो बिल्कुल रियल बनाते हैं। तो अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम इस पर साइड में बिल्कुल अच्छी तरीके से टेप लगा देंगे, नहीं तो फ्रेंड्स अगर हम फेविक्विक से लगाएंगे तो फेविक्विक से हमारा इसको वापस हम इसको खोल नहीं पाएंगे मोटर को। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैं इस पर टेप लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो अब हमारी मोटर बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो मैं एक बार आपको इसको एक और बार चलाकर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो हमारी मोटर बिल्कुल अच्छी तरीके से अब चल रही है। हमने अब ये पूरी बनकर तैयार हो चुकी है मोटर, और मोटर कितनी बढ़िया लग रही है। आप इसको किसी में भी अच्छी तरीके से आप लगा सकते हो, जैसे आप कोई टॉय वगैरह बनाते हो या फैन वगैरह बनाते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स का हमारा हमने ये कबाड़ से बनाई है। फ्रेंड्स आप उस मोटर को फेंक देते हो तो फ्रेंड्स उससे अच्छा आप ये मोटर बना लो, कितनी बढ़िया बनी है फ्रेंड्स, मतलब बिल्कुल बढ़िया लग रही है मोटर। तो फ्रेंड्स मैं एक बार आपको प्रोपेलर भी लगा कर बताता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये प्रोपेलर भी कितनी अच्छी तरीके से चल रहा है, कितनी बढ़िया तरीके से आप इससे आराम से फ़ैन वगैरह बना सकते हो इस मोटर से। फ्रेंड्स अगर आप चाहो तो आपके पास बड़ी मोटरों का भी आर्मेचर पड़ा होता होगा, तो फ्रेंड्स आप इसको थोड़ा उसमें बड़ा बॉक्स बना के, मतलब इसका जो आगे की बॉडी है वो बड़ी बनाकर आप इसको आराम से बना सकते हो। तो देख ही सकते हो फ्रेंड्स कितनी बढ़िया तरीके से हमारी मोटर बनी है कबाड़ से।
फ्रेंड्स आपको इसमें एक काम और करना है फ्रेंड्स, आपको इसमें साइड में दो होल भी कर देना है जिससे इसकी जो एयर है वो बाहर निकल सके। फ्रेंड्स हमने वो होल नहीं करा फ्रेंड्स, आप उसमें मतलब साइड में होल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देख सकते हो हमारी जो ये मोटर बिल्कुल अच्छी तरीके से बनके तैयार है। कौन कहता है फ्रेंड्स ये कबाड़ से बनी हुई मोटर है और वो बिल्कुल शानदार चल रही है। फ्रेंड्स देख सकते हो इसमें ऐसे मोटरों में जंग आ जाता है तो उसके अंदर का आर्मेचर बिल्कुल सही रहता है। तो फ्रेंड्स आप इस आर्मेचर से अच्छी तरीके से मोटर बना सकते हो। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये कितनी बढ़िया तरीके से काम करी है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर से करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर से बताइए।